तो इससे अच्छी बड़ी न्यूज क्या हो सकती है, क्योंकि 8 डिफरेंट PSU हैव ऑलरेडी रिलीज देयर ऑफिशियल नोटिफिकेशन दैट दे विल बी रिक्रूटिंग स्टूडेंट्स वाया GATE 22 स्कोर. तो दिस इज द टाइम टू से गुड बाय टू ऑल दोस पीपल हु हैव सेड दैट गेट से कुछ नहीं होने वाला है, गेट एग्जाम तो बेकार है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होता है, एमटेक में कोई कुछ नहीं होता है, PSU में कुछ नहीं होता है, रिक्रूटमेंट नहीं होता है. तो दिस इज द टाइम टू से देम अ गुड बाय, क्योंकि गेट इज सच एन एग्जाम जिससे आपकी लाइफ बदल सकती है, ये मैं आपको गारंटी देके बोल सकता हूँ. आप PSU में जाओगे, आप एमटेक करोगे कोई टॉप IIT से, उसके बाद आप रिसर्च करोगे, आप प्लेसमेंट लेके बाहर जाओगे, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है. जो लोग ऐसे सोच रहे हैं कि गेट से कुछ नहीं होने वाला है, उनको सोचने दो. जो लोग ये चाहता है कि हम मेहनत करके कुछ अच्छी अचीव करके अच्छी गेट रैंक एंड अच्छी गेट स्कोर लेके हम आगे बढ़ेंगे, उसके लिए ये वीडियो है. आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट कि जो मेहनत आप कर रहे हो, ट्राई टू कंटिन्यू अनटिल द लास्ट डे बिफोर द गेट एग्जाम. आप देखोगे कि आपकी लाइफ कहां से कहां तक पहुंच जाओगी अगर आपके पास एक अच्छी गेट स्कोर एंड गेट रैंक है. अच्छा, तो पहले PSU के बारे में बात कर लेते हैं. DRDO, IOCL, GAIL, NPCIL, Coal India Limited, NALCO, NMDC एंड POSOCO, ये 8 PSU अभी तक, जिस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक ये 8 PSU रिलीज कर दिया. इसके बाद भी बहुत सारे PSU रिलीज करेंगे, सो डोंट जस्ट वरी. गेट से पहले बहुत PSU रिलीज करते हैं, उसके बाद भी बहुत सारे PSU रिलीज करते हैं, सो डोंट जस्ट थिंक अबाउट देम. बहुत सारे PSU आने वाला है, सो एक एग्जाम की कीमत बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि गेट 22 की स्कोर के हिसाब से बहुत रिक्रूटमेंट होने वाला है. सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. सोचना बंद कर दो, टाइम वेस्ट भी बंद कर दो. जितना टाइम है आपके पास, जम लगा के प्रिपरेशन करो. आई होप आपके पास एक बहुत अच्छी अगर रैंक हो जाए, अच्छे गेट स्कोर आ जाए, तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप कहां से कहां तक पहुंच पाओगे. तो देखो, इस टाइम पे बहुत ऐसे नेगेटिव माइंडेड लोग आएंगे और आपको बोलेंगे कि यार गेट से कुछ नहीं होने वाला है, PSU में भी जॉब करने का कोई फ़ायदा नहीं है, यार एमटेक IIT तो बहुत ही बेकार है, उसका भी कोई ऐसे एडवांटेज नहीं है. तो ये सब बहुत कुछ आपको सुनना पड़ेगा. लेकिन अगर आपको टारगेट है गेट में एक अच्छी रैंक, अच्छी स्कोर लाना, आपको अगर टारगेट है अच्छी कुछ अचीव करना, तो आप उसी डायरेक्शन में जाओ. कीप प्रिपेयरिंग, कीप अचीविंग योर गोल. ठीक है, इसी जो नेगेटिव माइंडेड पीपल है इसके बारे में मत सुनना, ये जो बोलता है बोलने दो. एंड जिन लोगों को मेहनत करने की आदत है उनको मेहनत करने दो, जो लोग ये कहते हैं उनको मेहनत करने की आदत नहीं है. सो दिस वीडियो इज सर्टनली नॉट फॉर देम, दिस वीडियो इज फॉर देम हु हैज़ द एबिलिटी टू डू हार्ड वर्क, हु हैज़ द एबिलिटी टू सेट अ प्रॉपर गोल एंड हु वांट टू क्रैक गेट विथ अ वेरी गुड रैंक एंड वेरी गुड स्कोर. तो प्रिपेयर करो बहुत अच्छे से, ट्राई करो सिलेबस एटलीस्ट दिसंबर के एंड या फिर कम से कम जनवरी की जो फर्स्ट वीक है उसके अंदर अंदर कंप्लीट हो जाए. उसके बाद जितना हो पाए रिवीजन मार दो, जो चीज़ आपने पहले से उसी दिन तक पढ़ा उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है. एंड एक सब्जेक्ट खत्म होने के बाद उसका 10-15 ईयर्स एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है. कोई कोचिंग सेंटर की कोई सैम्पल क्वेश्चन या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ. सिर्फ और सिर्फ आपको गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, दैट इज़ मोर देन इनफ, मैं आपको ये कह सकता हूँ. क्योंकि उससे आपको गेट लेवल की जो ओरिजिनल क्वेश्चन है, असली जो क्वेश्चन गेट में आएंगे, उसकी फील आप कर पाओगे. कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं उसका भी आप महसूस कर पाओगे. बट जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जैसे नॉर्मल बुक्स में बहुत सारे बुक्स होता है उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन होता है, बहुत सारे कोचिंग मटेरियल होते हैं उसका भी प्रैक्टिस क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन गेट लेवल की है ही नहीं, तो उसको प्रैक्टिस करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है. आप चाहे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ या फिर ना कर पाओ, कोई फ़ायदा नहीं है. सो प्रिपेयर ओनली गेट प्रीवियस क्वेश्चन. उसके बाद जनवरी में आपको जितना हो पाए रिवीजन करना है एंड ट्राई टू गिव एटलीस्ट 2-3 मॉक टेस्ट. आप कोई कोचिंग सेंटर की भी मॉक टेस्ट दे सकते हो, अगर नहीं भी दे सकते हो तो आप गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एक एक पेपर है, एक 3 घंटे की एक पेपर है, उसी को बैठ के दे दो. जैसे कि गेट 2018 का पेपर, 2017 का पेपर, 2015 का पेपर, ऐसे एक साल की कोई पेपर उठा लो एंड उसको बैठ के दे दो. कोई ऐसे आपको अलग तरीके से ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करना, टेस्ट सीरीज सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है. टेस्ट सीरीज से आप सिर्फ और सिर्फ आपकी मिस्टेक्स फाइंड कर लो एंड उसके बाद आप रेक्टिफाई करो कि कहाँ से आपको मिस्टेक्स हो रहा है, सो दैट मिस्टेक्स विल नॉट हैपन इन द रियल गेट एग्जाम. तो ऐसे ही करके आप मेहनत करो, हार्ड वर्क करो एंड आगे बढ़ते जाओ गेट के लिए. एंड आई होप आपको एक बहुत अच्छी रैंक आने वाला है, बहुत अच्छी स्कोर भी आने वाला है.
एंड आपको गेट एग्जाम की जो इंटायर प्रिपरेशन, ये आपको कभी वेस्ट नहीं हो जाएंगे, क्योंकि बार्क जो वाबा एटॉमिक्स रिसर्च सेंटर है वो किसी दिन में उनकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज करने वाला है कि उनका जो एक एग्जाम होगा अलग सी, जो वहाँ पे आपको एंट्रेंस पाने के लिए उनकी एग्जाम क्रैक करनी होगी। इसरो का भी एग्जाम होता है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग PSU का अलग इंस्टीट्यूट का भी एग्जाम होता है। अगर आपको MTech करना है तो IIIT हैदराबाद का एग्जाम होता है, IIIT दिल्ली का एग्जाम होता है, बिट्स का एग्जाम होता है। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूट है, डिफरेंट PSU है जिनका खुद का अलग एग्जाम होता है, तो उसको भी आप इजीली क्रैक कर सकते हो अगर आपकी एक अच्छी गेट प्रिपरेशन है तो। सो डोंट जस्ट लिसन टू दोज हेटर्स, डोंट जस्ट लिसन टू दोज नेगेटिव पीपल। वो आपको कुछ भी कहेंगे, आपको डीमोटिवेट करने के लिए बहुत कुछ कहेंगे। डोंट जस्ट लिसन टू देम, लिसन टू योर हार्ट, लिसन टू व्हाट यू वांट टू डू, हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड गो अहेड। सो दिस इज जस्ट आई वांट टू से विद दिस वीडियो, क्योंकि PSU ने ऑलरेडी नोटिफिकेशन तो रिलीज कर दिया, और भी PSU आगे नोटिफिकेशन रिलीज करने वाला है, तो कीप प्रिपेयरिंग हार्ड एज मच एज पॉसिबल। सो दैट्स ऑल टू दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चैनल को। मैंने इसी तरीके से बहुत सारे चीज़ आपके लिए ले आऊँगा, एंड शेयर करना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। सो दैट्स इट टुडेज़ वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।